আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবিয়া হুদা আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর খায়রুম মিন আলফি শাহর তানাজ্জালুল মালায়িকাতু ওয়ার রূহ ফিহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর। মুহতারাম নাযিনে কেরাম, हम इस माह मुबारक के उस अशरे में दाखिल हो रहे हैं, उन 10 दिनों में दाखिल हो रहे हैं जिन 10 दिनों की खुसूसियात पिछले 20 दिनों से भी अलग हैं। मसलन ये वही 10 दिन हैं जिन 10 दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ किया करते थे, ये वही 10 दिन हैं जिन 10 दिनों में अल्लाह के नबी का एहतमाम पिछले दोनों अशरों से, पिछले 20 दिनों से ज़्यादा होते थे। ये वही 10 दिन हैं जिनके अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। पता ये चला कि ये जो आखिरी अशरा है यह अशरा अपने अंदर काफ़ी मानवियत रखता है, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों के अंदर वो रात भी है जो पिछले 20 दिनों में नहीं थी, जिसके बारे में कुरान कहता है वो लैलतुल कद्र। और तो और इन्हीं 10 दिनों की फजीलत की खातिर पूरे कुरान की एक मुस्तकिल सूरत नाजिल होती है जो इन 10 दिनों की एक रात के सिलसिले में गुफ्तगू करती है। हालांकि हमें रमजान से मुतालिक कोई सूरत नहीं मिलती, रोजों से मुतालिक कोई सूरत नहीं मिलती, लेकिन इन 10 दिनों की वो सबसे बेहतर रात जो पूरे साल की सबसे बेहतरीन रात है उस ताल्लुक से हमें ये सूरत मिलती है। आइए इस रात या इन 10 दिनों की फजीलत किताब व सुन्नत की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने अभी सूरतुल कद्र की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को कद्र की रात में नाजिल फरमाया है। सवाल यह है इसे लैलतुल कद्र कहते क्यों है? मुफस्सिरीन ने इसकी तीन वजह बयान की है। पहली वजह यह बयान की है कि कद्र के माने होते हैं कद्र व मंजिलत के, तो यह रात बहुत ही मोहतम बिशान रात, बहुत ही मकाम व मर्तबे वाली रात। जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वो एहतमाम आ रहे हैं कि इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसे कुरान ने दूसरी जगह पे लैलतुल मुबारका कहा है, बाबरकत रात है। तो यह वजह एक है कि यह कदर वाली रात है, बाबरकत वाली रात। दूसरी वजह यह जिक्र करते हैं कि कद्र के माने होते हैं तंगी के, यब सोतो रिस्का व यकदिर, जैसा कि कुरान में रिस्क को फैलाता है, कुशादा करता है और तंग करता है। तो ये तंगी की रात है, यानी इतने फरिश्ते नासिल हो जाते हैं इस रात में कि जमीन तंग हो जाती है। और फरिश्तों का नुजूल जैसा कि आगे आयत में है तनसुल मलाइकत व रूह, ये रहमत और बरकत की अलामत होती है। जैसा कि हदीस में आता है ला तदखुलुल मलाइकत बैतन फीह कल्बुन वाला सोरा, उस घर में फरिश्तों की एंट्री नहीं होती जिन घरों के अंदर अब्बा अम्मा या बड़े बुजुर्ग की या किसी की तस्वीर लगी होती है, ऐसे ही कुत्ते पल रहे होते हैं। गोया कि इनका दाखिल होना बाइस रहमत और बरकत है, अगर हमने इन चीजों को रखा है तो ये दाखिल नहीं होते। अगर रुए जमीन पर फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं तो ये बरकत की बात है, खैर की बात है, सवाब की बात है, अजर की बात है, रहमत की बात है। तो फरिश्ते इतने नाजिल होते हैं कि जमीन तंगी महसूस करने लगती है। और तीसरी वजह अहले इल्म ने जिक्र की है, जैसा कि आयत में फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर मोहकम फैसले साल भर के, इसीलिए इसे तकदीर सनवी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फरिश्तों के हवाले करता है साल भर जो चीजें पेश आने वाली होती है। आगे फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, इस रात की फजीलत को वाजह करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल कर रहा है और फिर खुद ही जवाब दे रहा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यह रात हजार महीनों की रातों से, जिसे अहले इल्म ने
कहा कि 83 साल 4 महीने होते हैं काउंट करने पर, कि इस रात को हम पा जाएं और एक दूसरा शख्स 83 साल 4 महीने यानी आम जो उम्र है 60 से 70 के दरमियान से ज्यादा उम्र पाने के बाद भी अगर इबादत करे 83 साल 4 महीने तो भी इसे नहीं पा सकता। खैरु मिन अल्फी शहर, उससे ज्यादा बेहतर है। आगे फरमाया कि तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि इस रात फरिश्ते और इसी तरह से जिब्रील अमीन खास करके नाजिल होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुहकम फैसलों को लेकर के, तकदीर को लेकर के। और आखिरी बात ये, सलामुन हिया हत्ता मतलईल फज्र, ये जो फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं ये सलामती की दुआ कर रहे हैं तुलुए फज्र तक, लिहाजा इसको पाने के लिए, इसमें शब बेदारी के लिए, इस रात की फैज़ो बरकात को हासिल करने और समेटने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यश्तहिदु फिल अशरिल अवाखिर मला यश्तहिदु फी गैरिह, जितनी मेहनत इबादत के सिलसिले में आप आखिर के 10 दिनों में किया करते थे, रातों में किया करते थे, उतनी मेहनत, उतनी कद्दो काविश, उतने इबादतें पिछले 20 अशरों में नहीं किया करते थे। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि इदा दखल अल अशर, जब ये 10 दिन दाखिल होते, आई कज़ा अहलहू, अपने घर वालों को आप बेदार करते, व जद्दा खुद मेहनत करते, व शद्दल मेजर और कमर बस्ता होते। अहले इल्म ने कहा कि शद्दल मेजर से मुराद ये है कि आप अपनी बीवियों से किनारा कशी अख्तियार करते थे, एहतिकाफ करते थे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम होता था, खास करके कुरान करीम की उस आयत के मिसदाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनु हू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये रात दाखिल होती, बल्कि ये महीना दाखिल होता, तो इस रात की अहमियत के पेश नजर आप फरमाते, इन हादा शहर कद हज़रकुम, ये माह मुबारक अब हाजिर हो चुका है। आगे क्या फरमाया, وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم। आप सल्लम इन 10 दिनों की अहमियत को बताने के लिए और इन 10 दिनों में इस बाबरकत रात को पाने के लिए पूरे 10 रातों को जागने की खातिर क्या फरमाया कि इन 10 रातों में, बल्कि इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने की रातों से ज्यादा बेहतर है, जो उस रात से महरूम हो गया तो हर तरह के खैर से महरूम हो गया और तमाम खैर से महरूम शख्स ही महरूम हो सकता है। मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल वित्र मिन अल अशर अल अवाखिर, लोगो इस रात को तलाशो आखिरी अशरे की ताक रातों में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की अजमत की पेश नजर यह भी फरमाया था, मन काम लैलतल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिह, कि जो शख्स क़द्र की रात, शबे क़द्र को ईमान रखते हुए, सवाब की नियत करते हुए उस रात को बेदार होता है तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काम माल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, अगर इमाम के साथ जब तक इमाम नमाज पढ़ा रहा है बंदा खास करके तरावीह ही ले, इन 10 रातों में पढ़ता है तो पूरी रात क़याम का सवाब पाता है और लैलतुल क़द्र के बारे में खुसूसियत के साथ जो आपने फरमाया उस फजीलत को भी पा जाता है। लिहाजा इन नुसूस से ये बात मालूम हुई कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इन 10 रातों में इबादत के तई अपने आप को जहां पूरे तौर पे फारिग करना चाहिए, वहीं ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जिंदगी भर आप आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे और जिस साल आपकी वफात होने वाली थी यानी रबीउल अव्वल में और ज़िलहिज्जा में जिसमें आपने हज किया था, उससे पहले जो माह रमज़ान आया उसमें आप सल्लम ने 10 दिन रमज़ान के और 10 दिन शव्वाल के 20 दिन आपने एतकाफ किया था, क्योंकि आप
دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. کیوں؟ کیونکہ اعتکاف کرنے کی صورت میں انسان ہر حال میں اس رات کو پا جائے گا، کیونکہ طاق راتوں کے علاوہ وہ جفت راتوں میں بھی مسجد کے اندر رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اسے وہ بابرکت رات حاصل ہوگی جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سکھایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اگر وہ رات تمہیں ملے یا تم راتوں کو جاگو تو اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ کہو کہ اللہ تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، تو خود معاف کرنے والا ہے اور میں گناہوں کی بوجھ کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب ذرا تصور کریں کہ یہ رات جو فرشتوں کے نزول کی رات، یہ رات جو تقدیر کے فرشتوں کے حوالے کیے جانے والی رات، یہ رات جس میں فرشتے طلوع فجر تک دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر انسان سو کے گزارتا ہے تو حقیقت میں بہت محروم ہے. اس لیے اعتکاف کرنے والا وہ ان راتوں کو پاتا ہے، اس میں خاص کر کے 83 سال 4 مہینے والی رات پاتا ہے. اسی طرح سے اسے ان دنوں میں کم از کم ایک جمعہ اسے نصیب ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دو جمعہ مل جائے. اگر فرض کیجئے بدھ سے شروع ہے یا جمعرات سے شروع ہے تو اسے دو جمعہ ملے گا، اور دونوں جمعہ میں جمعہ کے دن عصر کے بعد وہ گھڑی بھی مل جائے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ قبولیت کی گھڑی ہے. ایسے ہی ہر نماز اور اقامت کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ملیں گی. اسی طرح سے انسان خالی ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، مکمل طور پہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کئی دفعہ ختم کر سکتا ہے، بے شمار نوافل پڑھ سکتا ہے، بے شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اذکار کر سکتا ہے، اور بہت ساری نیکیاں انسان کما سکتا ہے جو اس آخری عشرے میں اسے میسر ہوں گے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، یا آپ کے بعد آپ کے ازواج جو اعتکاف کرتے تھے اسے کرے، اور راتوں کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ اس سلسلے میں تیاری کرے، چاہے وہ کم خوراک کو لے کر کے، کم لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے، ایسے ہی ان اوقات کو عبادت میں دعاؤں میں گزار کر کے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے. ناظرین کرام، ایک سوال ہے کہ وہ رات کون سی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 27 کی رات، یا ایک روایت میں آپ نے کہا کہ میں اس رات کو بتانے کے لیے نکلا تھا، دو لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے وہ چیز مجھ سے اٹھا لی گئی، یا اگر 27 کی ایک روایت میں ذکر ہے تو یہی روایت جس میں قرآن نازل ہوئی وہ تو 25ویں رات، یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی کہ میں مٹی کیچڑ کے درمیان نماز پڑھ رہا ہوں اور 21ویں رات تھی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں جو علامتیں شب قدر کی پہچان بتاتی ہیں، اور وہ ساری علامتیں رات کے گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں. مثلا یہی چیز کہ بارش کا ہونا اور میں کیچڑ میں، چنانچہ چھت جو ہے چھپر کی اس وقت کی تھی، بارش کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا اور زمین گیلی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس انداز میں پڑھی. یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو ہے سورج کے اندر اتنی زیادہ تیزی اور تمازت نہیں تھی دھوپ میں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی. یا اس کے علاوہ اور بھی جو علامتیں آپ نے بیان کی ہیں، صبح کا موسم خوشگوار، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بات کی ہیں. لہذا ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، یوں تو اگر ہم علماء کے اقوال دیکھیں گے تو لوگوں نے بہت سارے اقوال، 45 اقوال تک بیان کیے، لیکن اس سلسلے میں صحیح اور راجح جو بات ہے وہ یہ کہ یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 کو بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23 کو بھی ہو سکتی ہے، کبھی 25 کو بھی ہو سکتی ہے، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو. لہذا انسان کو، اور اس میں حکمت یہ ہے، کیونکہ وہ رات ہمیں مل جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں
कि इन इबादतों को हम दूसरी रातों में अंजाम देंगे तो क्या अजर व सवाब नहीं पाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे महीने को अजर व सवाब के लिए रखा है, पूरी महीनों को गुनाहों की मगफरत का सबब रखा है, लिहाजा हमें पूरी तमाम रातों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके ये गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी खामियों को पेश करके रहम व करम की भीख मांगने का महीना है। इसलिए हमें इन रातों का ख़ास करके अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल के 360 दिनों में ये 10 रातें सबसे अफजल हैं, क्योंकि अहले इल्म ने जिक्र किया है जो कुरान में जो है, वल फजरी वलयालिन अशर वशफ़ वल वत्र, कि 10 दिन जो सबसे ज्यादा अफजल हैं ये है ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं, और 10 रातें जो सबसे ज्यादा अफजल हैं ये है माह रमजान की आखिर की 10 रातें। तो इस तरह से पूरे साल के जो 360 दिन होते हैं इनमें 10 रातें सबसे ज्यादा अफजल हैं जो रमजान की हैं, और 10 दिन जो सबसे ज्यादा अफजल हैं वो ज़िलहिज्जा के हैं। और इसमें एक लतीफ़ नुक्ता ये है कि इन 10 रातों में एक रात की सबसे ज्यादा फजीलत है, ऐसे ही उन 10 दिनों में 9 ज़िलहिज्जा की सबसे ज्यादा फजीलत है, कि उस एक दिन गैर हाजी अगर रोजा रखता है तो उसके एक नहीं 2 साल के गुनाहों की माफी होती है। और हाजी के लिए वह दिन इंतहाई अहम है, जैसा कि हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हज अरफा ही है, और इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा गुनाहों को माफ करता है। नाज़रीन किराम, आइए एतकाफ से मुतालिक, चूंकि इस आखिरी अशरे में एतकाफ करते हैं इसलिए उसके कुछ अहकाम व मसाइल भी जान लें। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफु अल अशर अल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के इन आखिर के 10 दिनों में आप सल्लम एतकाफ करते थे। इससे ये पता चला कि सबसे अफजल एतकाफ के लिए वक्त जो है यही 10 दिन है, क्योंकि आप सल्लम का उसवा यही था। लेकिन इससे ये भी बात मालूम हुई कि अल्लाह के नबी सल्लम ने आखिरी साल 20 दिन का एतकाफ किया और वो 10 दिन शव्वाल के थे। इससे ये भी पता चला कि रमज़ान के अलावा भी एतकाफ कर सकते हैं, दूसरी बात 10 दिन के अलावा ज्यादा भी कर सकते हैं, तीसरी बात कि जब आपने शव्वाल में एतकाफ किया तो शव्वाल का महीना रोजे का नहीं है, इसलिए रोजा रखना एतकाफ की हालत में शर्त नहीं है। खास करके अगर कोई ऐसा बंदा एतकाफ करता है जो दायमी मरीज है, रोजा नहीं रख सकता, तो हम उसके लिए नहीं कहेंगे कि एतकाफ नहीं कर सकता। तो यह बातें मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से एतकाफ के सिलसिले में हमें यह मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में हज़रत इब्राहिम और इस्माइल को मुखातब करते हुए क्या कहा, अंतहिरा बैतिया लित्तौइफीना वल आकिफीना वरुक्कइस सुजूद, कि ए इब्राहिम और इस्माइल तुम मेरे घर को पाक करो, किसके लिए, लित्तौइफीन तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन एतकाफ करने वालों के लिए। इससे पता चला कि एतकाफ की जहां मशरूइयत है वहीं उसकी फजीलत भी है। इसी तरह से हजरत मरियम के बारे में आता है कि मस्जिद के अंदर उनकी परवरिश परदाख्त का नज्म किया गया था, इससे ये मालूम हुआ कि खातून मस्जिद में एतकाफ करेंगी। खास करके अगर हम उस आयत को मिला लें जो कुरान में है, वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इसे अहले इल्म ने इस्तदलाल किया है कि एतकाफ होगा तो मस्जिद ही के अंदर होगा, चाहे एतकाफ करने वाले मर्द हों या औरतें हों। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज, गौर करें कि आपने अपनी बीवियों के लिए जो हुजरात बनाए थे, जो घर बनाए थे, वो मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल थे, लेकिन सबों ने एतकाफ मस्जिद के अंदर किया। मुमकिन है कोई शख्स उस रिवायत को पेश करे कि एक दफा मुकाबला आराई में हजरत आयशा और ऐसे ही और बीवियों ने, 3-4 बीवियों ने अपना अपना खेमा लगाया, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने मना किया। एतकाफ तो कर सकती हैं लेकिन सौतनों का इस किस्म से मुकाबला आराई ये चीज मुनासिब नहीं थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने मना किया। मालूम यह हुआ कि एतकाफ खाह मर्द करें या औरतें, जहां ये अफजल है कि आखिरी अशरे में हो, वहीं दूसरी बात यह कि एतकाफ मस्जिद के अंदर होना चाहिए, कुरान की रूह से भी
और सहाबा के तामुल से भी इस चीज का ख्याल रहे कि मस्जिद के अंदर हायजा और नफसा नहीं जा सकती। अगर कोई खातून एतकाफ कर रही है और उसे हैज आ गया, उसका एतकाफ खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह कि मस्जिद के अंदर अगर कर रही हैं तो उनके लिए इंतजाम हो, सेपरेट हो, वो अपनी तमाम जरूरियात की तकमील कर सकें, उनकी इज्जत और नामूस का पूरा लिहाज हो। इसी तरह से एतकाफ के सिलसिले में यह है, वो मरीजों की इयादत के लिए नहीं जा सकते, वो ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं सकते, वो हो इंतहाई नागुजीर जरूरत के तहत, अगर मस्जिद में बाथरूम वगैरह का इंतजाम नहीं है तो जरूरत के तहत ही जा सकते हैं, वरना वो बाहर नहीं जाएंगे। ऐसी मस्जिदों में इतकाफ का नज्म किया जाए जहां पंज वक्ता नमाजों का एहतमाम हो, वरना अगर नमाजों का एहतमाम नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में वो नमाज के लिए दूसरी जगह जाएंगे, लिहाजा इस चीज का भी ख्याल रहे। इसी तरह से एतकाफ की हालत में मुबाशरत जायज नहीं है, गरचे रात रोजे का नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, वला तुबाशिरुहुन्ना वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों में एतकाफ किए हुए हो तो ऐसी सूरत में मुबाशरत ना। एतकाफ के लिए दाखिल कब होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में आते, रात भर रहते, फजर की नमाज पढ़ करके अपने एतकाफ गाह में दाखिल होते थे, इसलिए इस सुन्नत का एहतमाम होना चाहिए। इसी तरह से एतकाफ की अकल मुद्दत के सिलसिले में अहले इल्म ने कोई बात नहीं कही है, अलबत्ता अक्सर मुद्दत जैसा कि 20 दिन का है, या अल्लाह के नबी ने एक हदीस में बयान फरमाया कि मैं खिदमत करूं यतीमों बेवाओं की, एक महीने के एतकाफ से ये ज्यादा बेहतर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। नादिने किराम, वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह नए उनवान के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।